इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा को एक सलाह दी है महान सुनील गावस्कर सर ने। जी हां, सुनील गावस्कर सर का मानना है कि अगर भारतीय टीम उनकी ये सलाह मान लेती है तो अंतिम के 6-7 ओवर्स में यानी कि 14 ओवर के बाद का जो खेल बचता है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय टीम 100 से 120 रन बड़े ही आराम से इत्मीनान से जोड़ सकती है। आखिरकार वो सुनील गावस्कर सर का सलाह जो है इन दोनों के लिए क्या है वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल सुनील गावस्कर सर का यह मानना है कि कहीं ना कहीं अगर भारतीय टीम चाहे तो नंबर 5 नंबर 6 पर ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या को अगर बल्लेबाजी करवा देती है तो उससे भारतीय टीम अंतिम के 6-7 ओवर्स में 120 रन तक जोड़ सकती है। उनका यह मानना है कि हार्दिक पांड्या जिस तरीके के लय में है, जिस तरीके के फॉर्म में है, उसका पूरा फायदा भारतीय टीम को उठाना चाहिए। ऋषभ पंत भी नंबर 5 पर आकर कैची बल्लेबाजी कर सकते हैं और अगर ये दोनों साथ बैटिंग करते नजर आ गए अंतिम के 5-6 ओवर्स में तो भारत 100 से 120 रन तक जोड़ सकता है। ये मानना है महान सुनील गावस्कर सर का और ये मानने में उनके पीछे आधार भी है क्योंकि अगर आपने देखा होगा हार्दिक पांड्या ना सिर्फ अपने गुजरात टाइटंस की टीम को ट्रॉफी दिलाई आईपीएल की बल्कि खुद भी बल्ले से उन्होंने 487 रन बनाए 132 की स्ट्राइक रेट से और साथ ही साथ 8 विकेट भी चटकाए। यानी कि ऑलराउंडर की जो भूमिका हमें चाहिए थी हार्दिक पांड्या से वो पूरी हमें मिलती हुई नजर आ रही है और अगर 8 महीने के बाद अब हार्दिक पांड्या वापसी कर रहे हैं सीरीज के दरमियान जो कि अफ्रीका के खिलाफ 9 जून से शुरू हो रही है उसमें अगर इसी रोल को देखा जाए तो भारत के लिए आने वाले समय में कई सारी चिंताओं को दूर कर सकती है। लेकिन अब एक सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर नंबर 5 और नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या बैटिंग करेंगे तो नंबर 5 पर फिर सूर्य कुमार यादव का क्या होगा और ऑलरेडी अगर देखें तो ऋषभ पंत नंबर 4 पर बैटिंग करते हैं। लेकिन जो कुछ भी हो महान गावस्कर सर का यही मानना है कि यहां पर भारतीय टीम को कोशिश करनी होगी खास करके राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा कोशिश करनी पड़ेगी कि नंबर 5 नंबर 6 पर ऋषभ पंत और साथ ही साथ हार्दिक पांड्या बैटिंग करें और अगर एक पल के लिए मान लिया जाए कि ऋषभ पंत अगर नंबर 4 पर बैटिंग करते भी हैं तो नंबर 5 पर यादव आ जाएंगे आने वाले समय में और नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या की जगह पक्की बनती हुई नजर आ रही है जहां से वो फिनिशिंग देते हुए भारत को एक बड़े स्कोर तक पहुंचा सकते हैं जब भी पहले बैटिंग करने की बात हो या बड़े स्कोर का पीछा करवा सकते हैं जब बाद में भारतीय टीम बैटिंग कर रही है। तो अब आपका क्या सोचना है इस पर, क्या गावस्कर सर ने जो सजेशन दिया है क्या उसे भारतीय टीम को मान लेना चाहिए, आप क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।